सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक और ज्योतिषी नजरिए से इसका खास महत्व है। वैज्ञानिक नजरिए से ग्रहण एक अनोखी खगोलीय घटना है, जबकि धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से ग्रहण की घटना इंसान की जिंदगी पर खास असर डालती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को अशुभ माना गया है। बात की जाए चंद्र ग्रहण की, तो विज्ञान के मुताबिक पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा इस स्थिति में पृथ्वी की ओट में पूरी तरह छिप जाता है और उस समय सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है, तब इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। बता दें कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा पर ही लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस पर ही दिखता है। भारत की हर परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण रहे हैं। पौराणिक काल से भूकंप आने व प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी ऐसी खगोलीय घटनाओं से की जाती रही है, जो वैज्ञानिक तौर पर गुरुत्वाकर्षण घटने या बढ़ने से धरती पर भूकंप आने की संभावना ग्रहण के 41 दिन पहले या बाद तक रहती है। ग्रहण के बारे में जो आज अंधविश्वास व मिथक हैं, उन्हें भी दूर कर देते हैं। आमतौर पर हमें ग्रहण के समय बाहर निकलने नहीं देने की बात कही जाती है और इसके पीछे बुरी ताकतें हावी होने का तर्क दिया जाता है, जबकि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने पर लोग अंधे होने की बात कहते हैं। वहीं चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर कोई नुकसान नहीं होता है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय भोजन को पकाना और खाना नहीं चाहिए। घर के अंदर उपलब्ध समस्त सामग्री पर तुलसी के पत्तों से गंगा जल छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। ग्रहण के समय दान करने से शुभ फल मिलता है। बेशक ही ये नियम कठोर हों और हमारे किसी काम के नहीं लगते हों, लेकिन हमें कहीं न कहीं अपनी मान्यताओं पर भी यकीन करना चाहिए।